टाइम ट्रेवल संभव नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्यांश नेमा एक बार पुनः उपस्थित हूं मिसफिट लाइफ चैनल के एक नए पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट के कंटेंट राइटर हैं व्लॉग लेखक गिरीश बिल्लोरे। वे लिखते हैं कि किसी यंत्र के सहारे टाइम ट्रेवल एक अविश्वसनीय और असंभव परिकल्पना है। आइए देखते हैं उनके आर्टिकल में क्या लिखा गया है। आज जिस बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वो सनातन शब्द है नेति नेति या नयाति नयाति, अर्थात ये भी नहीं और ये भी नहीं। अरे भाई, ये भी नहीं। कई दिनों से एक बात कहनी थी, लेकिन सोचता था कि संभव हो कि आगे आने वाले और बीते समय की यात्रा की जा सकती हो, पर चिंतन करके पाया कि वास्तव में एक असत्य थ्योरी है जिसे सिर्फ मानवीय मनोरंजन के लिए गढ़ा गया है। ये एक अलहदा तथ्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में असीमित संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि AI की मदद से हम प्राचीन समय यानी बीते पल इनका रिक्रिएशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम आने वाले समय को प्रीक्रिएट भी कर सकते हैं। पर यह सत्य है कि ऐसे रिक्रिएशन और प्रीक्रिएशन सिर्फ आभासी ही होंगे, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात इन दृश्यों में वास्तविकता कतई नहीं होगी। जो पराशक्तियां हैं वो भी ऐसा कुछ करा सकती हैं, लेकिन ये इतना ही करा सकती हैं कि आपको बीता हुआ समय हूबहू दिखा दे, इससे ज्यादा से ज्यादा भविष्य की किसी झलक को स्वप्न के रूप में दिखा देंगी। ये भविष्य से भी आपको रूबरू करा सकती हैं, लेकिन सिर्फ आभासी तौर पर। किशोरावस्था में मैंने अनेकों बार महसूस किया था कि मैं साइकिल और बाइक चला रहा हूं। ऐसा अनुभव जागते हुए तो कदापि नहीं, केवल स्वप्न में ही संभव था, क्योंकि जबकि मुझे जानने वाले जानते हैं कि ऐसा संभव कदापि नहीं है, क्योंकि मेरा दाएं अंग पोलियो से ग्रसित है, मसल्स है ही नहीं। शरीर यंत्र का संचालन भी असामान्य एवं अतिरिक्त गैजेट्स अर्थात सहायक उपकरण पर निर्भर है। सुधी जन जाने कि फिर भी यदि मैं दावा करूं कि मैंने साइकिल चलाई है तो केवल केवल ये एक आभासी विवरण मात्र होगा। इसी प्रकार मेरा एक और मत यह भी है कि जो घटना भविष्य में आकार लेगी उसका अनुमान मात्र लगाया जा सकता है तथा उसे वर्चुअल रूप से महसूस किया जा सकता है या उसका रिक्रिएशन किया जा सकता है, ना कि उसका भौतिक रूप से अनुभव किया जा सकता है। मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा को विराम देते हैं यहीं पर। शेष पॉडकास्ट को सुनते हैं भाग 2 में। धन्यवाद।